अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी मोहम्मद हाशिर और मैच मेंटर चैनल में आप सबको वेलकम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी मोहम्मद हाशिर और मैच मेंटर चैनल में आप सबको वेलकम। टुडे आई हैव अ न्यू टॉपिक। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है और वो टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कुछ लोगों को उस टॉपिक के बारे में मालूम सही से नहीं है। तो वो टॉपिक हमारे पास ये है कि हाउ टू कन्वर्ट एमएस वर्ड इनटू पीडीएफ ऑनलाइन, मतलब कि हम एमएस वर्ड को पीडीएफ में कैसे चेंज करें, वो भी ऑनलाइन तरीके से। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि हम एमएस वर्ड को पीडीएफ में हम कैसे चेंज करें ऑनलाइन तरीके से। हमने पिछली वीडियो बनाई थी हाउ टू कन्वर्ट एमएस वर्ड इनटू पीडीएफ ऑफलाइन, तो उस पर लोगों के काफ़ी मैसेजेस आए और लोगों का काफ़ी रिस्पांस आया और उन लोगों ने कहा कि मैं वीडियो बनाऊं कि हम एमएस वर्ड को पीडीएफ में कैसे चेंज करें, वो भी ऑनलाइन तरीके से। तो हम आज की वीडियो में सीखेंगे हम एमएस वर्ड को कैसे चेंज करेंगे पीडीएफ में, वो भी ऑनलाइन तरीके से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तभी जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुंचती रहे। आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको समझ जाए कि एमएस वर्ड को पीडीएफ में हम कैसे ऑनलाइन चेंज करते हैं। तो बिना टाइम इस्तेमाल किए हुए हम चलते हैं अपने लैपटॉप पर। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जो मेरा जो लैपटॉप का जो मेन स्क्रीन है ऑन हो चुका है। सबसे पहले हम जाएंगे अपने गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पर आने के बाद हम लोग सर्च करेंगे ऑनलाइन वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर। सर्च करने के बाद आप लोग एक ऐसा इंटरफेस आएगा, इसमें जो सबसे पहले वेबसाइट है आप इसी पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी वेबसाइट पीडीएफ में चेंज करना है आप उसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट वर्ड फाइल्स पर आप क्लिक करो। जो भी वेबसाइट आपको जो भी मतलब कि आपको फाइल चेंज करना है पीडीएफ में आप उसको क्लिक करो। तो मैं करता हूँ क्लिक। मेरे पास यू वाला फाइल है, मैं इसको पीडीएफ में चेंज करता हूँ। मैंने इसको क्लिक किया, ओपन है, हम क्लिक करते हैं। इससे इधर नीचे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू पीडीएफ, हम इस पर क्लिक करते हैं। तो अब ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास पीडीएफ में कन्वर्ट हो गए हैं। अब हम डाउनलोड करते हैं। ये आपके जो नेटवर्क पर डिपेंड करता है, जितना आपका नेटवर्क होगा उतनी जल्दी ये डाउनलोड होगा। तो ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है, अब चलते हैं और हम देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो यू वाला फाइल है वो पीडीएफ में चेंज हो गया है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू। Thank you.